फिर से वही। तुम्हारी वजह से वो आदमी मेरे हाथों से निकल गया। अबे ओए, बीच सड़क पे औरत से मर्दानगी दिखाते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे इंसान है आप, भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? भाई साहब निकालिए जरा अपना जूता। नहीं नहीं, वो इनकी गलती नहीं थी, मैं खुद ही गिर गई थी। बहुत अच्छे, भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं है। आप गलत समझ रही है बहन जी, मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। ये चाहे जो कुछ भी सोचे मेरे बारे में, लेकिन मैं तो इनका भलाई चाहती हूँ। भले ही पति पत्नी पर कैसा भी अत्याचार करे, मगर पत्नी हमेशा पति का ही साथ देती है, उसकी बुराइयों पर हमेशा पर्दा ही डालती आई है। कार्तिक, आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि आप गलतियां मत कीजिएगा? ए, चुप! बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनने का। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, हम लोग तो सब यहाँ से चले जाएंगे। अगर हमारे जाने के बाद इस इंसान ने फिर से वैसा व्यवहार किया तो तुम क्या करोगी? तो इनसे मैं खुद ही निपट लूंगी। अगर ये गलती करेंगे तो मैं इन्हें सजा दूंगी। आप यहाँ कैसे 7 साल बाद? अरे मैं आप ही को तो ढूंढ रहा हूँ पिछले 7 सालों से बहन जी। जिस दिन मैंने अपनी बच्ची को आपको गोद में दिया, मैं कितना तड़पा हूँ उस दिन से अपनी बच्ची के। मैंने अपने आप को कितना कोसा, अपनी किस्मत को कोसा कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। और किस्मत का खेल देखो बहन जी, आज 7 साल बाद मुझे आपसे मिलवा दी। मेरी बच्ची को लौटा दो बहन जी। सात साल बाद तू अचानक जाके और तुझे तेरी बेटी याद आ गई? अपनी बेटी दूसरे के हाथ में सौंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? साहब मेरी मजबूरी थी उस दिन, बहुत मजबूरी थी। मजबूरी है? और 7 साल के बाद आज तेरी मजबूरी खत्म हुई, राइट? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें अपनी खुद की औलाद को दूसरे के हाथों सौंपना पड़ा? ये मेरा घर है, तू समझी? तो ठीक है, पहले आप खा लो। नहीं खा सकता तो पकड़ के क्या? खुद के घर में तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं होगा, और यहाँ आकर टोटल चैरिटी केस लग जाती। इग्नोर, पर मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। वो तुम्हें लाइक नहीं करती ना, लाइक करती तो हमारे पास बैठती ना। देखो खेल किस्मत का, जिसको तलाश करते करते मैं यहाँ पहुंचा, वो तो नहीं मिला, पर हाँ वो मिल गई जिसकी असलियत मैं जानना चाहता था। तुमको ढूंढते ढूंढते मैं थक हार गया, पर तुम नहीं मिली, और मिली भी तो तब जब मिलने की उम्मीद नहीं थी। अजीब इत्तेफाक है नसर भी, कि हर बार तुम्हारी वजह से वो करना पर मेरे हाथों से फिसल जाता है। क्या सजा दोगे मुझे मेरी गलतियों की? जब आपकी 10 गलतियां पूरी हो जाएंगी ना करते, तब बताऊंगी आपको। 10 गलतियां? लो, मेरी गलतियों का हिसाब भी वो कर रही है जिसको खुद अपनी गलतियों का हिसाब नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम समझती क्या अपने आपको? हाँ, तुम्हारे जैसी गिरी हुई बच्चलन कैरेक्टरलेस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुनिए, मैं जरा सा दरवाजा खोल के अपनी बच्ची को एक झलक देख लूं। बैठ बोला ना, वरना सीधे ऊपर वाले की झलक दिखा दूंगा, फिर वही सी देखेगी खुशी को तेरी आत्मा। अगर खुशी तुझे देखेगी और तेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताएंगे हम उसे? और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन दे, अगर गलती से भी तूने खुशी को ये बताने की कोशिश की कि तू उसका बाप है, जान ले लूंगा मैं तेरी जान। सुनिए, खुशी कहाँ है? अगर खुशी नहीं आई तो फिर बाहर से आया कौन था? जतिन, पता नहीं आज के दिन पापा और कौन कौन से खेल दिखाएंगे मुझे। मतलब? जिस बच्ची को आज तक अपनी बेटी मानकर पाला मैंने, उसके पिताजी को भेज दिया पापा ने, और जिससे खुशी की असलियत आज तक छुपा कर रखी उन्हें भी भेज दिया। मेरे पति आए थे यहाँ। खुशी का क्या करेंगे? तुम्हारे मामा बहुत गुस्से वाले हैं क्या? अरे नहीं, जैसा कोकोनट होते ना बिल्कुल वैसे। कोकोनट मतलब?
बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। बहुत प्यार करते हैं फॉर्म से और हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। यही अपने कंपनी का नाम भी उन्होंने हमारे नाम पे रखा है, आर्ट आर्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब रोहित और रिया। और तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो भी तुमसे इतना ही प्यार करते होंगे। ताई और कुछ याद आया आपको? याद करने की कोशिश कीजिए ना, कुछ तो याद आएगा। हिमादीप आप क्या कर रही हो? आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, ताई के दिमाग पे जरा सा भी प्रेशर नहीं डालना। सॉरी मामू, आज मेरी वजह से ताई की तबीयत खराब हो गई। बेटा ऐसे उदास नहीं होता है, देखो तुम्हारी वजह से इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि ताई की याददाश्त वापस आ जाएगी। इस याददाश्त की तुम्हारी नो एंट्री कर देगी। चाइला पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मेरे को, जो इतनी जल्दी अपना ही क्लेम खलास करेगी मैं। मेरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो सब लोग। हाँ आइए आप सब लोग, ताई को आराम करने देते। डॉक्टर साहब प्लीज। ताई आराम करना। हाँ ये यहाँ कैसे है? इस घर में पैसों की किसी को कदर ही नहीं। ये मेरी बड़ी दीदी है, इन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो मुझसे मिलने चली आई। इस घर की तलाशी तो मैं लेकर ही रहूंगा, रोक सकते हो ना तो रोक। कार्तिक किसी के घर की तलाशी लेने से पहले सर्च वारंट की जरूरत होती है।